सागे फनकार। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं थारू अपनो नवाज अंजुम पा करियानवी कल्चर टीवी के प्रोग्राम जी फन सागे फनकार में। जनाब आज हमारे सागे जी सो फनकार है जी, थारी मोहब्बत थारी दाद मैंने दोबारा लियान पर जनाब मजबूर कर दियो। अरशद बादी जनाब हिंदुस्तान सो हमारा पाकिस्तान सो बल्कि दुबई सो कतर कोई जिन्ना जिन्ना ममालिक में भी पाक रियानवी कल्चर टीवी देखे जावे। अरशद बादी ए तो पहला जी चार प्रोग्राम करके गया और बहुत ही पसंद करो जी लोका, बहुत ही एप्रिशिएट करो अरशद बादी ने। और मैं स्पेशल भाईजान ने रिक्वेस्ट करी और मैंने की मेहरबानी कि भाई पाक रियानवी कल्चर टीवी के वास्ते जनाब स्पेशल तशरीफ लेकर आया जी। अस्सलाम वालेकुम अरशद बादी भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? माशाल्लाह जी, देखो जी पहले आया था बड़ा झटके स्वरूप में और आज माशाल्लाह जी पाक हरियाणवी कल्चर ने भाई ने कोट पैंट पहनने में मजबूर कर दिया जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लागन लग रही है जी। नवाज़ साहब मैं दरअसल ना मेरे कई शोबे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि मैं अदाकार भी हूँ, गुलकार भी हूँ, फनकार कई शोबे। हाँ जी, सारा फन मिला तो फिर हो गया फन सागे फनकार। तो मैं दरअसल ना जिसा देश उसा भेस। अरे वाह रे वाह। तो मैं जो ना अगर मैजिक शो करता हूँ तो मेरा अरबी लिबास होता है। अरे बहुत अच्छा। हाँ, जैसे असल लिबास होना बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा अगर मैं जो ना अदाकारी करूं तो फिर वो इतना किरदार के मुताबिक लाचे कुर्ते जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जैसा देश वैसा भेस बना रखा खूबसूरत, इसीलिए तो अल्लाह का बड़ा करम है नवाज साहब, जित भी जाऊं ना वहां उनमें शामिल हो जाता हूं माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे ही अपना अपनायत कर लेता हूं जिससे ना अगले कहते ये मारा है। नो डाउट। और हकीकत बात है, बात तो सारी आ जाएगी। एक तो माँ बोली का रिश्ता है, दूसरों जंग करना जानो और बैंगो फिर सागे इन्वॉल्व बेहतर हो जानो। ओ फनकार कोई खास है जी, ये फनकार ही होता है जो ना, अगर फनकार है ना जी तो उसे जामर जी डाल लो। बिल्कुल। अगर फनकार नहीं तो एक जगह पर खड़ा है वाह वाह वाह, और एक जगह तो फिर वो अच्छी नहीं ना हो। वाह वाह, तो मजा को नहीं आवे जो ना बंदा वो जिस जगह पे चला जाए उनका हो जाए। वाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत। अल्लाह ने मेरे तो बड़ी एक नाम अल्लाह ताला की करम नवाजी जिसकी वजह से ना आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं तेरे तो उस दिन बताना भूल गया कि मैंने साइकिल चैंपियन नहीं होते जी, आज जी। तो साइकिल चैंपियन खत्म हो गए भाई। अब जो पहले 7-7 दिन साइकिल चला रहे थे, साइकिल पे नहाना, साइकिल पे कपड़े बदलने और साइकिल पे हैरान और आंख से एक रुपया या 10 रुपए का 5 रुपए का नोट होता था वो। दरअसल ना एक और बात थी, वो ऐलान नहीं कर देते जो जमीन पर पैर लगा देख लेगा ना। हाँ जी। उसने 1,000 रुपया दूंगा जो आज के दौर में 1,00,000 रुपये। 1,00,000 बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। तो वो 1,00,000 रुपये के पीछे ना समझो लोग ना रात भर जाग के हमारी तरफ निगाह करते थे। वाह रे वाह, चोरी छुपे देखे, चोरी छुपे देखे। तो भी जिस तरह ये नीचे पांव धर रहे हम इसने पकड़े 1,000 रुपया तो ले। और मैं फिर वो भी देखे जो 7 दिन के बाद फिर इलाका का काउंसलर आगे उतारे हुए, फिर पूरा बाजार में पूरा मोहल्ला में फिर लोग इनाम और कराम से नवाज साहब। उसका बड़ा मजा हुआ था, न्यू मजा हुआ था कि 6-7 दिन साइकिल पर चढ़ा रहना, रोटी भी उते खानी, चाय भी उते पीनी, सारा कुछ सो घंटा ग्राम भी रिजाई गिर के सो जाए सो जाए। लेकिन उसका जो ना बड़ा मजा होता है कि आखिरी दिन को मेहमान एक सुसी गांव का नंबरदार या चेयरमैन या नाजम वो आके उसने उतारा था तो उसकी वो सारी थकावट उतर जाती, थकावट उतर जाती, वो नहीं कहता वाक्य में फनकार। लेकिन अच्छा मैं पहले समझो, मैं कहेंगे मन्नत है कि वो 7 दिन साइकिल चलावा वो मन्नत को नहीं थे वो। दरअसल ना एक उनकी रूटीन थी कि ना भी इतने दिन साइकिल चलाना है और इतने दिन के बाद उतरना, पहले दिन ऐलान कर दें तो भी इतने घंटे चलाना। अच्छा तो आप तो चलो माशाल्लाह चैंपियन है, थारा सके एक जोकर टाइप भी हो वो, जिस और जानबूझ के नीचे भी गिर जाओ, साइकिल चलाती पे चढ़ भी जाओ, वो मजाक हंसी मजाक भी सागे सागे, लेकिन थारे कारीगरी तो कुछ हो रही। वो दरअसल ना उस मजाया जो होता था ना जी, उसको देखने के लिए बच्चे लोग और खातून भी आती थी, औरतें भी आती थी। बिल्कुल सही। और वो औरतें आती थी, बच्चे आते थे। एक तो वो जो ना जो फनकार था ना साइकिल चैंपियन जी जी, वो तो आंख से पैसे उठाने, उसने दिखाना कि मैं पैसे के लिए ये भी कुछ ये भी कर सकता हूँ। वाह 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 वाह। और वो जो हमारा कॉमेडियन होता था वो साइकिल चला रहा, जहां उसने कहते रुपया नजर आ गया ना तो वो अगला व्हील पकड़ के खींचा था, पिछला व्हील उठकर उसको ऊपर काम के चला। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आगे जब चला जाता तो वो लोग हंसे थे, पैसा ऐसी चीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जो सला कहानी आती है, रोजाना वो लोग आइटम हम लोग ना आइटम करते थे। एक दिन हमने ट्रैक्टर ऊपर से गुजारना, हाय हाय हाय, ओए होए होए
एक दिन हमने 5-7 मोटरसाइकिल रोकने, एक दिन हमने जो ना आग की दीवार बना के तोड़नी। वाह वाह वाह। और पिछली दफा माफी के साथ बता रहे कि खोतो भी खींच लियो, खोतो भी उठा लियो दांत सागर। वो ना देहात में तो खोते आम हुए थे देहात में खोते आम हुए थे जब ऐलान कर देते थे ना कि दो खोते ले आओ भी अरशदबादी उठा के दिखाओ। ओए ओए ओए। एक दिन भाई बड़ी पूरी बड़ी वो जो बड़ी उसने ऐलान तो कर दिया भी हम खोते पसंद करके उठाओगे भी हमारे ठाण जोगे के नहीं है गया। वो भाई इस पास से हमने वो शुरू करा एक पास बड़ी चो खच्चर उठा लिया बड़े ओए ओए ओए। वो खच्चर का कद मेरे तो भी बड़ा भाई वो भी खचरा निकला, वो निकला। तो मैंने देखा मैं कह यार जबान कर ली, जबान तो जबान होती है। मैंने फिर उन तनु कही मगा नु करो भी नीचे एक ईटा का स्टेज बना दो। अच्छा ठीक है। उन्हें कुछ चार दो तीन थोड़ा ऊंचो कर दियो, ऊंचो कर दियो ताकि वो मैं उठा सकूं, उठा सकूं। ए भाई वो दो खचर थे दिल भी नहीं मान रहा था भी मैं नठा दू क्योंकि ना भाई इतना वो बंदा आखिर इंसान बिल्कुल सही है। लेकिन भाई ताकत आंदी थी, वारे वारे। ताकत नहीं आंदी थी, दो ट्रैक्टर के पैर कमर लगा के उसने कहा चलाओ और वो चला के बंद कर देते फिर कहते चलाओ। फिर जो ना जब ताड़ी बाजे थी लोग निकले यार कमाल कर दी वारे वारे। वो फिर हमने इनाम भी खूब दे, बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक है। इनाम दे तो उसका मजा आता। फिर वो हम रोजाना एक आइटम करते थे जो लोग स्पेशल देखने आते थे ईशा के बाद पूरा गांव इकट्ठा। जी जी मैंने पता है, मैं खुद मुजाहिरा देख रहा है, मैंने खुद बड़ा अच्छो लागो। एक हमारे पास कॉमेडियन था, कॉमेडियन वो ना कवाली सुना पर्दा है पर्दा पर 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 इस तरह करेंगे ना, मतलब कॉमेडी जो कर रहा है उसने भी लोग बड़ा सुने थे। बिल्कुल जी। आज प्रोग्राम को आगाज जिसे है तिसे कोई कलाम सु करूंगा। हाँ मैं वो एक और बात बता दूं। अच्छा, छोड़ दिया क्यों? अच्छा जी। मैंने भाई एक मेरी मजबूरी बन गई, मजबूरी आ बनी कि शादी होगी ना शादी होने के बाद कई काम छोड़ जा भाई गांव में एक आदमी सब्जी बेच रहा है आलू ला टीडे ला कद्दू ला और थोड़ी दिनों के बाद ना आलू ला कद्दू ला क्यों है भाई शादी हो रही मैंने छोटे मैंने भाई 160 घंटे अभीब कॉलोनी रहीम यार खाम। अच्छा। उन्हें बोले अरशद बाते बतेरी ट्रेन बोली भी तो साइकिल पे चढ़ गया। आए, 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 मैं वही चढ़ गया 120 घंटे। हाँ जी 120 घंटे मैंने साइकिल चलाई जी। मेरे जनाब पैरों में खून उतर गया। अच्छा। आंखों में जनाब लाल हो गई। अच्छा। वो लाल होने के बाद ना वो पता क्या करें या मैंने बात बता देनी चाहिए कि वो साइकिल वाले पता क्या करते हैं वो एक 7-Up की बोतल है ना वो इस तरह लेके लाकर उसका फुहारा जो ना आँखा में मारे तो उस तो भाई नींद गायब हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। उस स्ट्रिंग को काम वो बैटम कराओ उस टाइम की बात है नींद की गोली को निकाल रहे थे वो भाई आँखा में मारे थे 7-Up की बोतल तो उस टाइम नींद जुड़ सी अगली बात यह कि अभी छोड़ दिया क्यों भाई साइकिल पे तो मैं 160 घंटे चढ़ गया। अच्छा। 160 घंटे चढ़ने के बाद जिस दिन वो आखिरी दिन हिस्सा होया इससे मैं क्या करा जी ये साइकिल का किराया लिकट गया हालांकि जितने साइकिल को किराया निकले इतने की नमी आ जाए उसके बाद जियो जिन्हें पीछे टेंट लग रहा उसका किराया लिकट गया। अच्छा। उसके बाद जियो स्पीकर लग रहा इसका किराया लिकट गया। उसके बाद जियो जो होटल वाले तो रोटी आती रही उसका लिकट गया। लिकटन के बाद ना जब पीछे बच्चे को 400-500 उसमें तो 200-300-400 हिस्से आ जा क्योंकि खर्चे जो बहुत हो जी, जी, जी। वो लिकटन के बाद मैंने देखा मगर इतनी मेहनत करी इतनी मेहनत के बाद ना मिला ये 400-500 रुपया मैं गई काम कुछ नहीं मैंने फिर वो छोड़ दिया बारे बारे और असल मैंने छोड़ दिया क्यों वो क्यों होए होए उस दिन तो मेरे भाई नीचे का सांस नीचे ऊपर का ऊपर होए 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 वो यो होया वो सेंटर में बंदो आ जाए तो वो तो दरमियाना मेल हो जाए फिर हाँ मैं ना 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 मेरे 10 बाल ना तो जमानत ना दे मैंने पता है मेरे 10 बालक है मैं अल्लाह का शुक्र जी 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 इसी बात को अच्छा छूट गया क्यों अच्छा मेरे अंदर खौफदारी हो गया ओए क्यों हो गया कि मैं दरअसल ना साइकिल चैंपियन ने मेरे तेया बात कर रखी थी दिन में तू अपने शोशा कर ले स्कूल कोई भी हो शाम ने ईशा के बाद मेरे पास आना आ जाए ये मैं स्कूल कर के आया तू न कंबा खताने के टोया खोद रखा ओए ओए कब्र बना रखी कब्र बना कर उन जनाब उसमें बंदा लिटा दिया बंदा लिटा के ऊपर जनाब सांस रोकना है हाँ सांस रोकना वो जो 5 घंटे बंदे ने वो जो न्यू करे उन्हें फट्टे लगाए बंदा बिठा के एक उसकी एक वो राज है
कि जिस बंदे ने वो उसमें कबर का आइटम कहते हैं उस कबर में लिटाने वाले ने दो दिन सोन को नहीं देवे। अच्छा, जिस तरह उसने नीचे लेटाओगे ना, लेटा कर ऊपर पानी मिट्टी गिरा ना, तो उसने नींद आ जाए, नींद आने के बाद दो तीन घंटे उसने पता ही नहीं लगता। ओए ओए, अल्लाह ना करे बैठे मंदिर फरिश्ता ही सामने ना जाए। वो भी एक राज है। वो भी एक राज है। एक रस्सी हम छोड़ देते अंदर, अगर परेशानी है तो वो खींच दे, परेशानी तो रस्सी खींच ले, वो जब रस्सी खींचेगा हमने पता लग जाएगा भाई वो परेशान हो रहे नीचे, तो हम तो ने पहले काट ले वो भाई रस्सी भी गिरा, क्योंकि हर चीज का आइडिया करना पड़े। वो भाई हमने वो लिटा दिया, उनने मेरे आने तो पहले बंदा पांच घंटे वास्ते दफन कर दिया। दफन करने के बाद ना उनने गाने लगा रखे, याद करता है जमाना उन इंसानों को, रोक लेते थे जो चलते हुए तूफानों को। और जी एक बंदा उस कब्र के दौरे बिठा रखे, वो रो, हमने तो ये पता लग गया ना, वो मसनूई रोन लग रहा, वो रोन लग रहा, वो रोन लग रहा। मैं ऊपर तो आया, मैंने देखा, मैं कभी तेरे बच्चे पीछे पता को नहीं, मोबाइल दौर तो था मैं पता नहीं लगा, तू जेल काटेगा। मैं अल्लाह मियां आज आज यो बंदा पूरा काट दे, जिंदा काट दे, मैं साइकिल वाले के दौरे नजर नहीं आऊंगा। वो भाई एक पहले एक बंदा रो रहा था, फिर उन्होंने एक दूसरा बंदा रोना शुरू कर दिया। अच्छा, वो जब दूसरा बंदा रोना शुरू करा तो फिर लाटा मच गया ना, वो मतलब ना आवाम पे प्रेशर, आवाम प्रेशर है कि लोग कहे यार वे पैसे 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 कवर में उतर गया इस फालतू बंदा के। फिर तीसरा बंदा बैठ गया, जिस तरह वो बंदे बैठते जाओ ना, मैं बाहर तो रोकू नहीं था, अंदर तो रो, मैं अंदर तो नहीं रोक जाए, यो मर गया तो मैं तो अंदर हूँ, मगर बिना वजह अंदर हूँ, मगर दाबे इनने पीछे इनने लेने, मैंने तो वो 500-400 मिलने तन्ने खाम खा की सजा, मैं उसमें परेशान हो गया। फिर भाई मैंने साइकिल चैंपियन बनना लगा दिया, साइकिल चलानी छोड़ दी। तो वक्त से पहले कब्र में उतर जानो बड़ी बात है। हाँ, और वो तो चला जाएगा ना कब्र में, अगले हमने जेल वाली कब्र में दे दी। तेरी वो एक बाजे वालों पर क्यों नहीं तो बैठ क्यों अब फरिश्ता हिसाब लेना आया, तो वो कह जी वो थैलो तो बड़ा उस्ताद करना है। लेकिन जान बचे को। दूसरी बात ये है कि मैं तो वो जिस तरह मैंने बताया था ना, जी जी, हर चीज हर आदमी के बस में कोने कोने, बिल्कुल। मैंने तेरे तो बताई थी मेरे आठ उस्ताद, इसमें शायरी में भी मेरा उस्ताद, उसका नाम है अमीर हुसैन बागड़ी। वारे वाह, वारे वाह। अमीर हुसैन बागड़ी पाकिस्तान में दो माँ बोली के गुलकार हुए, अमीर बागड़ी, एक अमीर हुसैन बागड़ी और एक बंदा मैं मियां। वारे वाह, वारे। और ये छोटे मोटे थे जिस तरह, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। तो छोटे मोटे तो थे बंदा मीर और मीर बागड़ी जी, उसकी मैंने बकायदा शागिर्दी करी। माशाल्लाह, बैंगो बैठो, कल मेरे साथ अफजल बागड़ी आए हो अभी इंशाल्लाह। लेकिन वो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, इनके साथ थोड़ा जो ना ये अफजल बागड़ी है ना, ये बेचारे ना अपने बाप वाली तय पर नहीं पहुंच भाई जी, देखो रोजी कमाण वास्ते जो है। अरशद भाई बात है कि कदा वो कोनी हुआ कि जिन जय मकाम पर तय पहुंच गया, औलाद भी वह मकाम पर पहुंच जाए, वो जो स्ट्रगल तय काटी है बच्चा को नहीं काट सके, बाकी क्योंकि आंखा खुलता गड्डी देखी, आंखा खुलता घर देखे हुए, जहाँ फुटपाथ की जिंदगी गुजारी है, जहाँ स्ट्रगल करिए, उस्तादा की मारा खाइए, रंग भाग में नहीं लग गए। ये हिंदुस्तान वाले भाइयों ने और सारे पाकिस्तान वाले भाइयों ने, पूरी दुनिया ने, मैं बता रहा हूँ कि है दीन में दुनिया वो बेदीन खुदा है। सबका जो ना, वारे वाह, वारे वाह। है दीन में दुनिया वो बेदीन खुदा है, रहता है सब में रहता जुदा है। रहता सब में है पर रहता जुदा है। रहता जुदा, वारे वाह, वारे वाह। फिर कह रहे हैं, पहले नाम अल्लाह का लीजिए और दूजे नबी रसूल, भाई तीसरे नाम उस्ताद का तो मेरी करिए दवा कबूल। फिर जी मालन लियाई सेहरा, भाई मालन लियाई सेहरा और माली लाया फूल, आए आए आए। तख्त बिछा मेरे रब का, भाई बैठे नबी रसूल।
और क्या कह रहा है हमारे हिंदुस्तान में जो बुजुर्ग है ना जी, बड़ी पहुंच वाले बुजुर्ग जी जी, कलियर शरीफ, अरे सुभानअल्लाह, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ वाले जी, जी। तो उसमें वो कह रहा है, दिल्ली तो दुल्हन बनी, अरे वाह, दिल्ली तो दुल्हन बनी अर दुल्हा निजामुद्दीन, क्या कहने भाई, सारे हिंद के बादशाह वो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन। क्या बात है उस्ताद मीर बागड़ी ने के कहा, सदा जवानी रंगली, सदा ना काले केस, सदा ना सूरमा मांडली, और सदा ना राजा तेज। अरे वाह वाह वाह, और इसके गानी होने सदा बादशाह ही नहीं, बादशाह को नहीं रहे, बिल्कुल सही, सदा सूरमा नहीं रहे, सूरमा को नहीं रहे, वाह वाह, ये तरह तो कहते सूरमा होकर तो जहाज भी खींच लेगा, ट्रैक्टर भी खींच, लेकिन ए ए बतना पौड़ियां चढ़ान वास्ते एक बंदो चाहिए, सदा जवानी नहीं रहती, सदा बाल काले नहीं रहते, सदा सूरमा नहीं रहता, सदा बादशाह नहीं रहता, वारे वाह। तो इस वास्ते किसी ने कहा कि साई टेढ़ी अखियां, साई टेढ़ी अखियां वैरी मुल्क जहान, अरे वाह, साई टेढ़ी अखियां वैरी मुल्क जहान, और थोड़ी सी झांकी मेर की वजह तो लाखों करे सलाम, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, उसकी जब करम नवाजी हो जाए तो फिर हर आदमी सलाम करेगा, क्या बात, सलाम कर, वारे वाह वारे वाह वारे वाह, यो बखत हो है, बिल्कुल सही, बखत किसे का नहीं, वाह वाह, बखत यो डलती फिरती छाया, बहुत खूबसूरत बात करी। फिर वो जनाब बंदा लड़ाई करे तो किसे अच्छे आदमी तो लड़े, वाह, चतर आदमी तो लड़े, चतर तो लड़ने का फायदा, मूर्ख से लड़ने का फायदा नहीं, अरे वाह वाह, इसे वास्ते तो मेरा दादा रतनबादी कहा करता, अरे चातर से लड़ना अच्छा, मूर्ख से भला नहीं मेल, हाय हाय हाय, चातर से लड़ना अच्छा, अच्छा। और मूर्ख ते भला नहीं मेल, अरे घी के तो दर्शन भले और खाया भला नहीं तेल, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बड़ा लोगों की बड़ी बात है जी, क्या बात है, क्योंकि तेल का खान का जी, जी, नहीं, देसी घी का तो जो दौरे पड़े हो तो नहीं बंदे ने नशा हो, अरे वाह वाह, मैंने कहा देसी घी तो पड़े हुए, देसी घी खून बढ़ता रहा, मेरे दौरे देसी घी तो पड़ा है। मैं जब छोटा हो बड़ा कमजोर हूँ, मैंने एक चमची लड़की देसी घी की, देसी घी की, अच्छा वो छाने का करते, अकलाज कहना बाजिए, लाज कहना भाजिए, लाज कहना भाजिए ना बाजा सरिए, अरे हा 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 हा, लाज कहना भाजिए और ना बाजा सरिए, अरे जान गई तो जान दे कि जल जाते डरिए, वार वाह, क्या खूबसूरत बात, वार वाह वार वाह, मंगत बिठाए की लाज, वाह, बां पकड़े की लाज, वार वाह, गरीब बिठाए की लाज, क्या खूबसूरत बात, और मूछ रखाए की लाज, इन मूछा के बारे में मेरा दादा सादी बादी था हिंदुस्तान में, उतने उसने कही थी कि रे मुछे वही सराइये जिन मुछा में लाज, बिना लाज की को मुछे ना ना ना, पहले मुछ को बाल भी इमानत के तौर पर रख दिया करता, कहते मेरे इस बाल की लाज राख आ रहा है, वार तो वार मेरा दादा सादी क्या करता, रे मुछे वही सराइये जिन मुछा में लाज, अरे भाई बिना लाज की मुछ है जैसे अलूना साग, बगैर तड़के के, बगैर लूड़ के साग, वो फिर नु करा के ये लिहाज शर्म की मूछ, हाँ जी लिहाज शर्म की मूछ, हाँ उसने यह बात भी कह दी, बारे बार ओड ओड बड़े राख के उनके लिहाज को, बिल्कुल सही, और कई भाई जिनके नहीं है वो भी लिहाज शर्म की मूछ ही दोए बाल गणे, लिहाज शर्म की मूछ है दोए बाल गणे, अरे गादड़ पर के पूछड़े रखे लोग घड़े, अरे वाह 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 वाह, जब इनकी लाजे को नहीं तो जाओ जो जो, जो मर्जी रखो, बाबा पैसो ईटा खींचो चाहे जो मर्जी करो। मेरा एक जो ना मुरीद हुसैन मर गया फैसलाबाद का था, मैं तो बाला तक ट्रैक्टर कार बस खींचा करू था ना, मूछा उसने जना मूछ बता रखी थी, मूछा तो वो ट्रैक्टर खींचा था, ओए होए होए मूछा तो ट्रैक्टर खींचा था, क्या बात है जी। मैं एक दिन का वाक्य, मैं जो ना उस दिन का मैंने वो बस खौफ पड़ गया, नहीं पछता रहा हूँ कि मेरे दूर कैमरा को नहीं था, मैंने एक बटन कोट का लेके नहीं, बटन जो बटन लेके इसका धागा मच्छी मार बांध दिया ताकि मजबूत हो जाए, जो बटन मैंने आंख में गाल वो धागा रस्सी के बांध दिया, कार खड़ी थी, मैंने आंख की ताकत तक कार खींची ना कर, मैं तो न बताऊं आंख की ताकत तक कार खींची,
लेकिन उस टाइम ये कैमरे कुमरे को नहीं थे, तब आई सहूलत मोबाइल था, सब कुछ बना आँख तम नकार खींची तो लोग हैरान हो गए। फिर वो दोबारा भाई उस दिन तो कुदरती रेड पे खड़ी थी फन सागे फनकार।